किसी भी चैप्टर को याद करने से पहले क्या बनना चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, एक ढांचा, एक खाचा, ताकि वो चैप्टर उस पर टिक सके और सालों तक आप उसे याद रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज। मैंने बनाए हैं 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और मुझे जाना जाता है मेमोरी और कैलकुलेटर किंग के नाम से। इससे पहले कि आज इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग पहले बनती है या उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ढांचा या खाचा भी बोलते हैं वो पहले बनता है? और मेरा दूसरा क्वेश्चन, उसका क्या रोल होता है उस बिल्डिंग के मामले में? इस वीडियो को यहीं पे पोज कीजिए और मुझे बताइए, उसका रोल भी बताइए और पहले स्ट्रक्चर बनता है या बिल्डिंग, कमेंट्स करके अभी बताइएगा। हाँ प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, पहले बनता उसका स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस बिल्डिंग के मामले में, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के बिल्डिंग को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। दुनिया की कोई भी चीज बनने से पहले क्या बनता है? उसका स्ट्रक्चर। और प्यारे दोस्तों, उसी स्ट्रक्चर की मेहरबानी से सालों साल कोई बिल्डिंग खड़ी रहती है। तो यहाँ पे आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर लंबे समय तक याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि उस चैप्टर का आपने स्ट्रक्चर बनाया ही नहीं, क्योंकि वो चैप्टर टिकता है स्ट्रक्चर के ऊपर। और अगर आप किसी भी चैप्टर को मेमोराइज करने से पहले, याद करने से पहले अगर बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो सालों साल तक आप उसे नहीं भूलेंगे, ब्रेन में वो बहुत अच्छे से सेव रहेगा। किसी भी चैप्टर को याद करने से पहले क्या बनना चाहिए? उसका एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, एक ढांचा, एक खाचा, ताकि वो चैप्टर उस पर टिक सके और सालों तक आप उसे याद रख सकें। अब मैं बताता हूं स्ट्रक्चर बनाने का वो प्रोसेस, स्टेप वन। स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन में आपको क्या करना है? सबसे पहले प्रैक्टिकल है, अभी ओपन कीजिए ना, अभी जिस चैप्टर को आपको मेमोराइज करना है उस चैप्टर को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले उस चैप्टर में डिसाइड कीजिए कि कितने पेजेज हैं और एक टाइम लिमिट, है ना, एक डेडलाइन डिसाइड कीजिए कि इतने पेजेस मुझे इतनी देर में पढ़ने हैं। सिंपली मैं बोलूं, आपको आपके ब्रेन को क्या कर देना है? एक टारगेट देना है, क्योंकि ब्रेन हमेशा काम करता है टारगेट्स पे। और इससे पता चलेगा आपको आपकी एफिशिएंसी का, आपकी एबिलिटी का, आपकी क्षमता का। इस पे डिटेल में वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और उसका लिंक बन जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो स्टेप वन क्या करना है, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना मेरे साथ में, चैप्टर निकालिए, चैप्टर में कितने पेजेस हैं और कितनी देर में, ये डिसाइड कीजिए। स्टेप टू, स्टेप टू में पेंसिल आपके हाथ में रहेगी, उस चैप्टर में आप ये देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, या कोई कुछ बोल्ड है, कोई फॉर्मूलाज है, कोई नाम है, जगह के नाम है, उन सबको अंडरलाइन करना है पेंसिल से, सबको अंडरलाइन कर लीजिए। जितने भी मेन वर्ड्स है, जितने भी कीवर्ड्स है, इस पे भी ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ये सारे आपस में एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड है, एक के बाद एक स्टेप आपको उठाना है। थर्ड नंबर पे, जिसको आपने अंडरलाइन किया है, हम बात करें ना स्ट्रक्चर की, जिसको आपने अंडरलाइन किया है, अब आपको उसका एक स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? जैसे आपने स्पाइडर मकड़ी देखी, स्पाइडर नोट्स, है ना, स्पाइडर नोट्स का नाम, जिसमें सारे के सारे कीवर्ड्स आ जाए, मेन वर्ड्स, ग्रामर नहीं होनी चाहिए, जो आपने अंडरलाइन किया है, जो आपके कीवर्ड्स है, वो सारे उस स्ट्रक्चर पे आ जाए, जिसे फ्लो चार्ट भी बोलते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को बनाना है एक पेज में, एक पेज में या दो पेज में, इतना बड़ा जो चैप्टर है वो एक या दो पेज में आ जाएगा, है ना। और फोर्थ नंबर पे जो स्टेप है, अब आपको क्या करना है, इस स्ट्रक्चर को याद कर लेना है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊं, ये फोर्थ स्टेप है ना, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने देखा उस चैप्टर में कितने पेजेस हैं और आपने एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लिया, स्टेप टू। क्योंकि इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्या पता चल गए, पेजेस पता चल गए। स्टेप टू में आपने क्या किया, आपने बिल्कुल गो थ्रू किया अच्छे से, इस चैप्टर में है क्या, सबको अंडरलाइन कर लिया, आपने पूरा फोकस लगा दिया। थर्ड नंबर पे जिस पे फोकस लगाया था, जो अंडरलाइन किया, उसका एक स्ट्रक्चर बना दिया। और फोर्थ नंबर पे आपने क्या कर दिया, उसको मेमोराइज कर दिया। यहां तक आते आते आधा चैप्टर तो वैसे ही याद हो गया, क्योंकि उस चैप्टर के सारे कीवर्ड्स, मेन वर्ड्स तो आपको पता है। और स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर उस स्ट्रक्चर को आप याद रख लेते हैं, तो बहुत लंबे समय तक आपको वो चैप्टर याद रहेगा। ये दो मेजर बेनिफिट हैं इसके, याद रखना। पहले दोस्तों, इस वीडियो का हमारा टारगेट है 5000 लाइक्स का।
तो मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि मेरे साथ आप खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ आप सारे हैं और इसका जो टारगेट है मैं यकीन करता हूं बिल्कुल बिल्कुल हम अचीव करेंगे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें क्योंकि जब आप लाइक्स करते हैं ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और कमेंट करें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, जो आपके कमेंट्स होंगे और जो सबके जो एक कॉमन होता है उसी को लेकर मैं टॉपिक बनाता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।